हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम देखेंगे कि निफ्टी इस वीक में क्या कर सकता है, लास्ट वीक में उसने क्या किया। विल सी दैट एंड इस वीक में कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी में। ओके, सो दिस वीक तो लास्ट वीक में हमने यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे। अभी तक यहाँ पे पहुंचा ही नहीं है निफ्टी, सो नो पॉइंट अबाउट दैट। तो हमने यहाँ पे एक बात बोली थी कि यहाँ पे ओपन हुआ तो डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे, और ये एक सपोर्ट ड्रॉ किया। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ओपन यहाँ पे हुआ, और आप देख लो यहाँ पे रिजेक्शन बिल्कुल नहीं आया, डायरेक्टली ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। यहाँ पे रिजेक्शन नहीं आया सपोर्ट में एंड द प्राइस ब्रोक डायरेक्टली। और अब क्या हुआ कि यही जो पहले सपोर्ट था, कल ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पे प्राइस आया, ठीक है, 680 के आसपास, एंड फिर वहां से 600 के आसपास आके क्लोज हो गया। तो ये अब जो पहले सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस का काम कर गया। ओके, एंड ये सपोर्ट रीजन विदाउट रिजेक्शन ब्रेक हो गया। अभी इस सपोर्ट का एक सिंपल लॉजिक आप फॉलो कर सकते हैं, जिनको भी मैंने सिखाया और जो सुन रहे हैं उनको भी, कि कभी भी प्रीवियस डे लो के नीचे बाय मत करो। ओके, तो ये सपोर्ट का यूज ही नहीं है, बिकॉज ये प्रीवियस डे लो के पीछे है, नीचे है, तो ये सपोर्ट पे बाय करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो एक नीचे सपोर्ट और था 250 के आसपास, उसने काम किया, पर उस दिन मुझे नहीं लगा था कि वो सपोर्ट बताना चाहिए। तो मैंने ये दो ही बताए थे, तीसरा नीचे वाला नहीं, वहीं से रिजेक्शन हुआ है। और अभी ये जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, सो व्हाट इज निफ्टी डूइंग? तो निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अभी, बट बिल्कुल अच्छी कोशिश नहीं है ऐसा दिख रहा है अभी। इट्स नॉट अ गुड ट्राई जो ऊपर जाने की है। तो अगर अभी कल यही पे ओपन होता है ट्यूसडे को, यहीं पे ओपन होता है कहीं पे, और यहाँ पे चांस मिलता है पहले 1 घंटे में, 3 घंटे, तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं अगर ओपन अंदर ही। अगर सुबह सुबह ओपन बाहर हो जाता है रेंज, अभी ऊपर जाने की कोशिश कर, तो फिर से इट विल ट्राई टू राइज, ये ऊपर कोशिश करेगा फिर से जाएगा। ओके, और एक शॉर्ट कवरिंग की रैली आ जाएगी। यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे ओपन हुआ तो ये यहाँ पे शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी बनेगी, यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड बन सकता है। ओके, सो दिस इज वन थिंग। अब ये मैं यहाँ से देखता हूँ नया वाला, सो टेक दिस, एंड द नेक्स्ट इज हियर। सो नेक्स्ट इज हियर अराउंड 750, 1 14 750, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है। तो दिस इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। नाउ द सपोर्ट इज फार लोअर, सपोर्ट यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे एक तो ये ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ही बाय करना है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, बट आई वोंट बी ट्रेडिंग 500 के आसपास, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा उस सपोर्ट पे जाकर। ओके, बिकॉज ये शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट है, ना कि बाइंग का सपोर्ट है। ओके, मे बी प्राइस यहाँ पे आ सकती है अगर ये नीचे यहाँ पे खुलता है, या यहाँ पे कंसोलिडेट होके नीचे आता है। ओके, सो दीज आर द लेवल्स कि आप जो ट्रेड करने के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक इट, do share it with your friends. Okay.